चाचू वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मेरा सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और दो बैक आ गई। अब आप तो जानते हैं कि पापा को अगर रिजल्ट के बारे में पता लग गया तो क्या कहा, फेल हो गया। अब चल तू पढ़ाई लिखाई छोड़, दुकान पे बैठ। पापा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपके इलेक्ट्रिक स्टोर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों नहीं समझते? मैं नहीं कर सकता ये काम प्लम्बर जैसा काम लगता है मुझे। ये क्या है, किसी घर जाओ, पंखा बदलो, वायर्स डालो, लाइट बदलो, मैं नहीं कर सकता पापा ये काम। और मेरे दोस्त लोग भी एमबीए कोचिंग कर रहे हैं पापा, तो प्लीज आप मुझे ये करने दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं पक्का इस बार कोई अच्छे कॉलेज में जाके फिर अच्छे से जॉब भी पा लूंगा। अच्छा, पढ़ने वाला होता ना तो इंजीनियरिंग अच्छे से करता। पापा वो आपकी बात एकदम सही है, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एमबीए भी नहीं कर पाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं एक बार बहुत अच्छा रिजल्ट पाऊंगा, बहुत अच्छा करूंगा। पापा मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर मैं आपकी दुकान पे नहीं बैठूंगा। आपको चाहे कितना ही बुरा लगे